बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, इतना जबरदस्त केक तो घर पे मार्केट जैसा घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। स्पंजी वाला देखे तो फटाफट सी बना लेते हैं। नमस्कार, संतोष किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे बिस्किट से बहुत ही स्वादिष्ट और घर पे बना के आसान तरीके से केक तैयार करेंगे। तो इनकी क्रीम निकाल दिया है, देखिए क्रीम अलग कर ली है, बिस्किट हमने ले ली है। अब इसका मिक्सी में पाउडर बना लेंगे। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया है ओरियो बिस्किट, तो 3 पैकेट लिए हैं। तो चलिए इनका पीस के पाउडर बना लेते हैं। तो मिक्सी का जार ले लिया है, अब डाल लेंगे इसमें, इनको पीस लिया है, देख लेते हैं। तो इसका अच्छे से पाउडर बन गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसके लिए ले लिया है कटोरी, कटोरी में डाल लेते हैं, बाकी बचा भी डाल लेते हैं। इस तरीके से सारा निकाल दिया है, अब कटोरी में तो डाल लिया, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे इस हिसाब से, और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और डाल लेते हैं थोड़ा दूध, को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा दूध और डाल लेते हैं। जो भी अगर बिस्किट में कोई भी लम्स रहेगा वो दूध से सही हो जाएगा, वैसे तो पाउडर अच्छे से बन गया था। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी दूध नहीं डालना। इस हिसाब से अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में बेकिंग पाउडर डालेंगे, पहले बिल्कुल नहीं डालना। तो इसी हिसाब का बैटरी चाहिए हमारे को, देखिए आप देख सकते हो इसी हिसाब का ही चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से। तो केक के लिए मेरे पास सांचा नहीं है केक बनाने का, तो मैं ले रही हूँ भगोने। आप कोई भी चीज़ में बना सकते हो, बिल्कुल प्लेन हो उसमें। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, इसको अच्छे से मिक्स लगा लेते हैं भगोने के चारों मेर इस हिसाब से। तो आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हो, मैं मैदा ले रही हूँ, थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे तो ये बटर पेपर का काम करेगा। इस हिसाब से तो लगा लिया है मैदा, तो इसमें डालेंगे जो हमारा बैटर है। तो बैटर को देख लेते हैं, बैटर तो सही है। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 पिंच ही डाला है। पहले हमने बेकिंग पाउडर डाल लिया था। तो चलिए भगोनी ले लेते हैं वापस, जो हमने तेल लगा के मैदा लगाया था, अब इसमें सारा बैटर डाल देंगे। तो सारा डाल लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। कोई भी आप घर पे हो लो का तवा वो ले सकते हो, तो मेरे पास लो का तवा है तो मैंने लो का तवा लिया है। अब बीच में रख देंगे बैटर और इसको लो टू फ्लेम पे फिक्स घड़ी की टेम से रखेंगे। तो टाइम देख के ही रखना है, लो टू फ्लेम पे कर दिया है और इसको 25 से 30 मिनट रखना है। तो 25 मिनट होते ही एक बार चेक करेंगे, तो पकने देते हैं लो टू फ्लेम पे। बिल्कुल लो कर रखा है गैस को, मीडियम पे तो बिल्कुल मत कर देना, और टाइम से 25 से 30 मिनट के बीच तक पकाना है। तो 20-25 मिनट में देखेंगे एक बार ज़रूर इसको। जो बिस्किट की क्रीम निकाली थी वो केक वाली कटोरी में डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे दूध,
दूध थोड़ा सा ही डाला है, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे जब तक हमारा केक बनेगा, जब तक ये काम कर लेते हैं। और तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद ही भगोनी को रखे तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध ही डाल के करेंगे मिक्स। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध डाल के, दूध ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये हम केक के अंदर लगाएंगे। तो देखिए इसी हिसाब से मैंने उस वाले बोल में डाल लिया जो हमने जो वो बिस्किट मिक्स किया था दूध वाला, तो इसलिए थोड़ा कलर इसका ऐसे हो गया, तो कोई बात नहीं। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो 20-25 मिनट हो गई है, देख लेते हैं 25 मिनट हो गए लगभग, तो चेक करते हैं। वाओ कितना अच्छा फुला फुला सा हो गया। तो एक चम्मच लेते हैं कोई भी और इसमें ऐसे अंदर देंगे। तो देखिए ऐसे कैसे निकला है, तो इसका मतलब है बनके तैयार हो गया। अगर चमक के चपकता तो ये बनता नहीं है। देखिए तो अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको करते हैं प्रॉपर ठंडा। तो केक को पूरा ठंडा हो लेने देते हैं अच्छे से, फिर करेंगे आगे का काम। तो केक ठंडा हो गया है, 10-15 मिनट हो गई। तो चाकू लेना है और इसी हिसाब से किनारे से एक बार चाकू को इसी हिसाब से घुमा देंगे और अब कर देंगे ऊपर मोदा। इसी हिसाब से मोदी भगोनी लगा देंगे। ये थोड़ी देर में ऊपर के ऊपर की बाहर आ जाएगा, थोड़ी देर रहने देते हैं ऐसे 2-3 मिनट। वाओ कितना अच्छा, बिल्कुल भी भगोनी के चिपका नहीं है। देखिए पूरा कितना अच्छा निकल के आया है, तो शानदार सी परत आई है। ये वाइट वाइट तो वो जो हमने मैदा लगाई थी तेल लगा के, वो है, घबराने की बात नहीं है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट और इतना अच्छा केक बना है। देखिए हम बाजार में लाते हैं उससे तो 100 गुना अच्छा। तो थोड़ा सा इस हिसाब से इसकी थोड़ी सी पड़त उठाएंगे चाकू से, इस हिसाब से ऊपर ऊपर का ये उठाना है, ज्यादा नहीं उठाना। देखिए अंदर से देख सकते हो आप, वाओ कितना अच्छा केक बना है, जालीदार। अब इसको उठा ले निकाल लेते हैं, पहले ये रखेंगे इस पे रखेंगे जो हमने क्रीम ली थी, ये तो हम बाद में यूज में लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा देंगे जो हमने उसके बिस्किट के अंदर आती है क्रीम और उसको दूध के साथ मिक्स किया था वो वाली क्रीम है। तो अच्छे से मिक्स कर देती है, लगा दिया है। अब बाकी जो बचा है उसको भी हम रख लेंगे। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ी सी चीनी डाल के और पानी को मिक्स किया है मैंने, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। पहले वाले के ऊपर नीचे वाले के नीचे ऊपर नहीं डालेंगे पानी, क्योंकि ऊपर वाले पे डाल दिया तो नीचा चला जाएगा, ये गीला हो जाएगा, इसलिए नीचे वाले पे नहीं डालेंगे, ऊपर वाले पे थोड़ा सा डालेंगे। तो अब ये क्रीम बची हुई है ये डाल देंगे इस हिसाब से। ये लिया है थोड़ा सा कोको पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से चम्मच से,
कोको पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल के अब इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस हिसाब से। तो अब लेना है ये डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है मैंने, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा बना है, सॉफ्ट और मुलायम इतना, इस हिसाब से। तो सारी चॉकलेट लगा ली है, थोड़ी सी हमारे पास व्हाइट वाली भी है। केक तो बनके तैयार हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, तो काट के देखते हैं। इतना जालीदार बना है और इतना टेस्टी भी लग रहा है, बहुत ही शानदार। देखिए एक पीस निकाल लिया है, तो लग रहा है ना मार्केट जैसा केक, बिल्कुल घर पे बना के आसान तरीके से तैयार किया है। देखिए सॉफ्टनेस इसकी कितनी ज़्यादा और कितना सॉफ्ट है, आप भी आसानी से घर पे बना के केक तैयार कर सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। आज के लिए थैंक यू।